सीबीआई अमित शाह के पिंजरे में कैद है, सीबीआई ने अमित शाह के इशारे पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की। और इसलिए मैं मांग करता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद कोई नैतिक अधिकार नहीं है देश के गृह मंत्री को अपने पद पर बने रहने का। देश के गृह मंत्री अमित शाह को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, उनको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस देश का गृह मंत्री सरकारों को तोड़ने के लिए काम करे, मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करने के लिए काम करे, पार्टियों को तोड़ने के लिए काम करे, विधायकों की खरीद फरोख्त करने की काम करे, उस देश के गृह मंत्री को एक मिनट भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए असली गुनहगार कोई अगर है तो उसका नाम है अमित शाह। अमित शाह गुनहगार है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए, और उसको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उसको कोई हक नहीं है अपने पद पर बने रहने का। आपने तमाशा बना रखा है देश की जांच एजेंसियों का, लोकतांत्रिक व्यवस्था का, संविधान का, कानून का। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ तौर पे साबित हो गया है गृह मंत्री अमित शाह ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार हैं। अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। सीबीआई उनके अधीन आती है, सीबीआई उनके पिंजरे में कैद तोता है जिस तोते से उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी कराई। मुझे इतनी बात कहनी थी। और भाजपाइयों को कल से मैं देख रहा हूं चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल पे ये रोक लग गई, वो रोक लग गई। इसीलिए मैं कहता हूं अनपढ़ों की जमात है भाजपा। गुस्से से, नफरत से भरी हुई पार्टी है भाजपा। बेशर्मी और निर्लज्जता की पराकाष्ठा पे जीती है भाजपा। इतना बड़ा फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बावजूद बेशर्मी से भाजपा वाले कैमरे के सामने आके झूठ बोलते हैं। पहले कहते थे क्या किसी को बेल मिली, क्या किसी को बेल मिली, क्या किसी को जमानत मिली, क्या किसी को जमानत मिली। जमानत मिल गई तो कहते हैं अरे जमानत ही तो मिली है, जमानत ही तो मिली है, जमानत ही तो मिली है। दिल्ली के लोग तुम्हारी जमानतें जब्त कराएंगे और सब तब दिल्ली के लोग तुमसे कहेंगे भाजपाइयों कि जमानत ही तो जब्त हुई है, जमानत ही तो जब्त हुई है, तब तुम्हें अकल आएगी। ऐसे अकल नहीं आएगी। बेशर्मी देखिए, कल से झूठ पे झूठ बोलने जा रहे हैं। इसीलिए भाजपा का नाम मैंने बदल के भारतीय जनता पार्टी से बदलकर बेशर्म झूठा पार्टी रख दिया है। बेशर्मी के साथ झूठ बोलने का कर रिकॉर्ड कोई पार्टी बना सकती है तो उस पार्टी का नाम है बेशर्म झूठा पार्टी, बीजेपी। बेशर्म झूठा पार्टी क्या कह रहे हैं? केजरीवाल तो साइन नहीं कर सकते, केजरीवाल तो मुख्यमंत्री के तौर पे काम नहीं कर सकते। कहां सपना देख लिया? क्यों तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहा है? दिल्ली की जनता का काम रोकना चाहते हो? फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, फरिश्ते स्कीम, माताओं बहनों की बस की यात्रा, ये रोकना चाहते हो? क्यों लड्डू फूट रहा है? ऑर्डर पढ़ा है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सारे मंत्री अपना काम करते हैं, अपनी अपनी फाइलों पे खुद से दस्तखत करते हैं। तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल उन्हीं फाइलों पे दस्तखत करते हैं जो अप्रूवल के लिए एलजी के पास जाती है, क्योंकि उनके पास कोई विभाग नहीं। और जो फाइलें एलजी के पास जाएंगी
उस पर दस्तखत करने से कोई रोक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई है। तो मुख्यमंत्री के तौर पे 100% बेहतरीन तरीके से, जैसे 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल ने काम किया, वैसे ही आगे काम करते रहेंगे, दिल्ली के लोगों का भला करते रहेंगे, दिल्ली के लोगों के लिए लड़ते रहेंगे, दिल्ली के लोगों को उनका हक दिलाते रहेंगे। दिल्ली के लोगों का एक भी काम नहीं रुकेगा, न सरकार का काम सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, न अरविंद केजरीवाल का काम सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। हर उस फाइल पे दस्तखत करने का अधिकार अरविंद केजरीवाल को है, जो जरूरी फाइल है, जो एलजी के पास जाती है। तो इसलिए ये बेशर्म झूठा पार्टी कल से जो आप लोगों के बीच में झूठ फैला रही है, उस झूठ को कृपा करके आप लोग भी दिखाना और चलाना बंद करें। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, आजादी के बाद एक ऐसे मुख्यमंत्री जिसने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में अनुकरणीय काम करके दिखाया है और आगे भी करते रहेंगे। ये बेशर्म झूठा पार्टी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।